ग्रामीण भारत में जीवों को उपार्जन तथा आमदनी बढ़ाने में कृषि एक प्रमुख स्रोत रहा है। भारतीय कृषि में फसल उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन गतिविधियों में महिलाओं की प्रमुख भूमिका है। पारंपरिक तौर पर महिलाएं कृषि की ऐसी प्रक्रियाएं तथा गतिविधियां करती रही हैं, जिनमें कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कृषक महिलाओं के कठोर परिश्रम को कम करने तथा उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि मशीनें, उपकरण तथा उनसे संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ये संस्थान कृषक महिलाओं के लिए विशेष तौर पर तैयार कृषि उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों के प्रचालन संबंधी श्रम दक्षता का भी अध्ययन कर रहा है। इस संस्थान द्वारा फसल उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण और खेती तथा ग्रामीण गृह प्रबंधन में महिलाओं द्वारा किए जा रहे अनावश्यक श्रम को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत उपकरण विकसित किए गए हैं। हस्तचालित टिपलर, खेत में हाथ से बीज एवं उर्वरक डालना अत्यंत कष्टपूर्ण कार्य है, जिसमें समय तथा कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। बीजों को एक एक कर बोने के लिए हस्तचालित टिपलर एक सरल उपकरण है। इसे महिलाएं आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे पौधों की आवश्यक दूरी बनाई जा सकती है। ये दूर दूर बोई जाने वाली फसलों जैसे मक्का, अरहर, कपास तथा अन्य फसलों के लिए उपयुक्त है। हस्तचालित रोटरी डिप्लर, ये एक विशेष यंत्र है जिससे मक्के के बीजों को खेतों में बोया जा सकता है। इससे खेत में बीजों की बुआई नियमित दूरी पर की जाती है। ये यंत्र मक्का, सोयाबीन, ज्वार, अरहर और चने इत्यादि के बीजों की बुआई के लिए उपयुक्त है। हस्तचालित बीज एवं उर्वरक ड्रिल, हस्तचालित बीज एवं उर्वरक ड्रिल बीज एवं उर्वरक एक साथ खेत में डालने के लिए उपयुक्त है। बीज एवं उर्वरक उचित प्रकार से डालने पर फसल की पैदावार में भी वृद्धि होती है। ये छोटे स्तर पर कार्यरत कृषक महिलाओं द्वारा छोटे एवं बड़े दोनों ही प्रकार के बीजों जैसे सरसों, ज्वार, अरहर, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, चना तथा अन्य सामान्य बीजों की बुआई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।